what is the maximum number of component into which vector can be split? वेक्टर को कितने कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं? दो कंपोनेंट में, तीन कंपोनेंट में, चार कंपोनेंट में? तो वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू द इनफाइनाइट कंपोनेंट, उसको जितना चाहे उतना कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, लेकिन बेशर्ते हम लोग टोटल तीन एक्सिस के बारे में जानते हैं, इसलिए हम तीन एक्सिस में तोड़ते हैं, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं इनफाइनाइट कंपोनेंट में। ओके 29, what is the maximum number of rectangular component into which vector can be split into own plane? अपने plane में जो rectangular component इसका कितना होगा? तो rectangular component इसका तीन हो सकता है। Rectangular component सिर्फ x, y, z? Sorry, own plane है ना? तो plane मतलब हुआ कि हमारा plane में दो ही चीज़ ना हो, x, y, तो यहाँ plane की बात कर रहा है, तो plane में x, y में सिर्फ होगा, यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस में तीन होगा, ठीक है। तो प्लेन में हुआ कि एक्स एक्स वाई प्लेन हुआ, बाय डेड प्लेन हुआ, और स्पेस का मतलब हुआ पूरा एक्स बाय और डेड, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस इज 10 न्यूटन, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। ओके तो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का टोटल वेक्टर सम कितना होगा? ओके तो किसी भी, अगर कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है तो दोनों को जोड़ेंगे तो उसका सम कितना हो सकता है? पता आपको ए प्लस बी से लेकर के ए माइनस बी तक सारा वैल्यू हो सकता है। ओके ए प्लस बी से लेकर के ए माइनस बी तक सारा वैल्यू होगा, तो हमारा फोर्स कितना है? 10 और 6 है, तो 10 प्लस 6 कितना होगा? 16, और 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो 4 से 16 सा होगा, ना 4 से कम होगा ना 16 से ज्यादा होगा। ओके okay. इसमें पूछ रहे इसमें कौन सा नहीं हो सकता, तो चार से कम कौन सा हुआ? दो हुआ, दो हो सकता, नहीं हो सकता, तो चार से कम नहीं होगा, शून्य से ज्यादा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। 33 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन, इसमें से कौन सा 2 न्यूटन नहीं दे सकता? तो कोई भी वेक्टर सम कितना हो सकता है? ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक, तो देखो इसको जोड़ेंगे 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4, और 2 माइनस 2 0, तो 4 से लेकर 0 तक सारा का सारा वैल्यू होगा। 3 नंबर में 1 प्लस 3 4, और 3 में से गया 2, तो 4 से 2 सारा, 1 प्लस 1 2, और 1 माइनस 1 0, ये हो सकता है। 4 प्लस 1 5, और 4 में से गया 3, तो 5 से 3 तक सेफ होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4। 4 यहां तो कोई दिक्कत? अगर आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी दिया हुआ है और ए प्लस बी टोटल सी के बराबर है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना होगा? दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये समझते हैं कि इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें क्या कर रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और सी का मान कितना है आपके पास ए प्लस बी, तो सी का मान जैसे आप पुट कीजिएगा ए प्लस बी तो आपका मान कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी, ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेगा तो, और इसका मान कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, आपका मान कितना होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कट गया, फिर यहाँ पे क्या होगा टू ए बी से टू ए बी कटेगा, कॉस थीटा का मान अगर वन होता है तो थीटा का मान कितना होगा जीरो डिग्री, यहाँ पे क्या दिया हुआ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एन बी इज आर वन ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी रिजल्टेंट बिकम आर टू, तो दोनों का वैल्यू कितना होगा, कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान आर वन है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान कितना आर टू है, तो बताइए आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ओके तो आर वन का मान कितना आपके पास आर वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और जो आपका आर टू स्क्वायर का मान होगा वो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर कितना होगा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी, given that vector p plus q is equal to vector p minus q, so this can be true, but देखो देखो अगर vector p plus q होता है vector p minus q के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, तो vector p या vector q बराबर है क्या, vector q का मान जीरो है क्या, neither p nor q will be non vector, p is perpendicular to vector q, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, अगर जो होता है वेक्टर p जो होता है वेक्टर q का परपेंडिकुलर होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा cos theta का मान cos 90 का मान जीरो, जैसे ही cos 90 का मान जीरो होगा तो माइनस टू ए बी कॉस थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा दोनों का मान जीरो हो जाएगा, और दोनों का मान कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ओके तो वेक्टर पी प्लस क्यू और वेक्टर पी माइनस क्यू, ओके तो दोनों का क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ओके तो अगर वेक्टर पी और वेक्टर क्यू दोनों पर परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर पी प्लस क्यू और वेक्टर पी माइनस क्यू का क्या होगा मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन वेक्टर बराबर होगा डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, वेक्टर पी प्लस क्यू और वेक्टर पी माइनस क्यू का कभी भी हमारे पास मैग्नीट्यूड बराबर होगा नहीं होगा, लेकिन अगर वेक्टर q का मान जीरो आ जाए तो वेक्टर q का मान अगर जीरो आ जाएगा तो वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर p, तो इसमें से ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए मोस्ट एप्रोप्रिएट, वेक्टर p वेक्टर q के बराबर कब होगा, वेक्टर p प्लस q वेक्टर p माइनस q के बराबर होगा जब वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर p आ जाए, मतलब कि अगर वेक्टर q का मान जीरो आ जाए इसका मतलब क्या है p इज इक्वल टू p, लेकिन इसमें क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा लेकिन वेक्टर बराबर नहीं होगा, और यहाँ पे वेक्टर लिखा है ओके, और वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, 36 समझ आया कि नहीं आया, 37 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्स मे बी इक्विलिब्रियम, इसमें से कौन सा फोर्स जो है इक्विलिब्रियम हो सकता है, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मान होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए वेक्टर सी का, चाहे बराबर होना चाहिए, ओके तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ए प्लस बी जो ग्रेटर होना चाहिए सी का, और ए और बी कौन सा है छोटा फोर्स, फोर्स है ए और बी छोटा है और सी जो है आपका बड़ा है, तो दो को छोटा फोर्स को ज्वाइन कीजिए
तो 3 + 1 कितना होता है, 4। तो 4 जो है 5 से छोटा ना है, तो यह नहीं हो सकता एक मीडियम में। दूसरा में क्या हो सकता है, 5 + 3, 5 + 3 8, 8 × 9 से छोटा है, नहीं होगा। 3 + 5, 5 × 3 कितना हुआ, 8 हुआ। 8 जो होता है वो बड़ा होगा 6 से, इसमें कितना होगा, 5 + 3 8, 8 × 2 छोटा होगा 15 से। तो किसमें जो है दो वेक्टर का सम दो हेड से बड़ा होगा, थर्ड नंबर में। 5 + 3 8, 8 > 6। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह दिया कि वेक्टर ए प्लस बी जो होता है वेक्टर ए के बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है, देन वेक्टर ए माइनस बी का मान कितना होगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड जो है हमारा बराबर है, ओके। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान कितना है, वेक्टर ए के बराबर होगा, चाहे वेक्टर बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके, यही ना होगा जी। तो यहाँ पे क्या समझना है, जो ए है वो भी बी है, जो बी है वो भी ए है, तो सबको ए ए ए ए समझते हैं। तो आपका मान कितना हो गया, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ओके, यहाँ भी ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, cos थीटा का मान हो गया -1/2, cos थीटा का मान कितना हो गया -1/2। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और यहाँ पे आप cos थीटा का मान कितना पुट कीजिएगा, -1/2, आपका मान कितना देगा, 3a स्क्वायर, ओके। तो इसका जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, इसका रूट होगा, मतलब की रूट 3 है। तो आपका आंसर कितना हो गया, रूट 3 है। 38 समझ आ गया। व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर बाय -2। अगर हम किसी वेक्टर को -2 से गुना करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कितना इजी क्वेश्चन है। फोर्टी में, टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड have a resultant equal to the other of the magnitude. The angle between them is, दो वो इक्वल वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है दोनों के मतलब ए मतलब कि दोनों में से किसी के बराबर है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है वो बिल्कुल वैसा ही है। तो हमारा किसमें cos थीटा का मान कितना आया था, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो cos थीटा का मान -1/2 आया था। तो पहला कंडीशन है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर बी के बराबर होगा और इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो हमारा cos थीटा का मान -1/2 होगा। तो थीटा का मान कितना होगा, 120 डिग्री, ओके। 40 का कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4। हम समझते हैं, गौरव को समझ में नहीं आएगा कि 120 डिग्री कैसे हो गया, ये बात को हम समझते हैं। आ गया। अच्छा, इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, दो वो यूनिट वेक्टर का सम जो होता है वो यूनिट वेक्टर है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट डिफरेंस कितना होगा, ओके। तो दो वो यूनिट वेक्टर है, तो दो यूनिट वेक्टर का सम कितना किए, 1² + 1² प्लस 2 × 1² ए प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें से cos थीटा का मान कितना आएगा, -1/2। अब उसका जो डिफरेंस उसका मान कितना होगा, तो 1² + 1² - 2 × 1²
और कॉस का मान माइनस वन बाय टू पुट किए तो आपका मान कितना हो जाएगा थ्री, और थ्री का रूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका होगा ऑप्शन नंबर टू। फोर्टी वन कंप्लीटेड। यहां तो कोई दिक्कत यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं, बाकी कन बाकी का थोड़ी कन पढ़ते हैं और उसका तो क्वेश्चन कन करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर और सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है उसका क्वेश्चन करके देखिएगा बनता है कि नहीं बनता आपसे। एन का मॉड्यूल तो आपके पास होगा ही, ठीक है।